दिखा दिख दिए कोनिया तो दिख दिए कोनिया तो कितनी लुकी बैठी है कित गई ऊपर ना लिकट जगी जा ले जा इसमें गल ओए किस तो देगी फिर ओ दे पासे तो रे खुश खुश बैठे ओए रोक दी हाँ मानो कुकर बिचारी लिकट जगी कूद जगी एवरीवन कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सबके साथ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने सबसे पहले लिया है एक चम्मच बड़े वाली चम्मच दही, और ये दही जो है कई दिन की मतलब खट्टी, अगर दही खट्टी हो ना तो वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, प्रॉपर ब्लीचिंग का काम करती है वो। तो दही खट्टी हो तो काफ़ी अच्छी होती है, अगर खट्टी ना हो तो वैसे भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच भर के दही का ले लिया है, और उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है इसमें नींबू। तो इसमें ज़्यादा नींबू नहीं, सिर्फ 4-5 बूंद नींबू की डालनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 4-5 बूंद ही डालनी है। तो ये 4-5 बूंद मैंने नींबू की डाल ली, और उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर देखो थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी है क्योंकि गर्मियों का टाइम है, और तो गर्मियों में धूप वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादा हल्दी डालने से हमारी स्किन जो है काली पड़ जाएगी। तो ध्यान रखें ज़्यादा हल्दी बिल्कुल भी ना डालें, मतलब थोड़ी सी ही डालें। और उसके बाद हम डाल लेंगे इसमें बेसन। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद सिर्फ इतनी ही चीज़ें लेनी है, यही, और कुछ नहीं लेना है। आप इसमें शहद भी डाल सकते हो, लेकिन मैं शहद नहीं डालूँगी, तो बस और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लेती मैं, तो बस यही चीज़ें इनको अच्छे से मिला लेंगे। और ये पैक लगाने से पहले ना अपने फेस को अच्छे से सिंपल मतलब सादे पानी से वॉश कर लेना है, क्योंकि धूल मिट्टी लगी रहती है, और अच्छा हो हमें फेस वॉश से वॉश कर लेना। अगर फेस वॉश से वॉश नहीं करना है तो हम सिंपल पानी से भी वॉश कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ये गर्मियों के टाइम में। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इस पैक को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, और अगर हो सके तो 5-7 मिनट इसको अप्लाई करने के बाद है ना 5-7 मिनट तक मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि मैंने इसको नहाने से पहले अप्लाई किया था, और मुझे अभी मुझे काम भी करना था और गर्मी ज़्यादा हुई हुई थी तो मैंने मसाज नहीं की थी। मैं कई बार कर लेती हूँ, और कई बार जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं मसाज कर लेती हूँ, और जब मैं जल्दी में होती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं आज बस वैसे ही अप्लाई करके इसको 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और जब तक मेरा काम होगा तो ये अच्छे से सूख जाएगा, फिर मैं इसको धो लूँगी। तो बहुत अच्छा होता है दही, तो हमारे फेस के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है। हम खाली दही दही की भी मसाज कर सकते हैं, मतलब दही दही की भी डेली सुबह शाम मसाज कर सकते हैं, फेस वॉश का काम भी करती है ये। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कैसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, बस वैसे दिखा रही हूँ, मैंने ज़्यादा देर तक नहीं की थी, सिर्फ 2-3 मिनट ही मैंने मसाज की थी, ज़्यादा देर नहीं की थी। आपको कम से कम अगर टाइम है आपके पास कम से कम 10 मिनट तो कर ही मसाज करनी है, या अगर 10 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो ज़रूर ही करनी है, और इसको फिर छोड़ देना है सूखने के लिए। और यहाँ पर मैं नहा चुकी थी, और देखिए कितना अच्छा, मतलब कितना फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब ऐसे लगता है कि हमारे फेस से ना सारी गंदगी मतलब धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया, और एकदम से साफ साफ सा चेहरा लग रहा था। तो कैसा लगा मेरा मॉर्निंग स्किन रूटीन, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कई बार, मतलब हर रोज़ तो नहीं करती हूँ,
वीक में दो तीन बार, मतलब दो तीन बार नहीं, एक बार तो कर ही लेती हूँ, करना चाहिए क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो ना इतना अजीब सी स्किन हो जाती है, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने मुंह धोए भी काफ़ी देर होगी, देखो काफ़ी अच्छा अच्छा लगता है, मतलब ये रूटीन में करते हैं तो। और मौसम बहुत ख़राब हो गया है, दिखाती हूँ, इतना ख़राब हो गया मौसम, काले काले बादल और बारिश का ही सा हो गया, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। काले काले बादल, काले काले बादल, अच्छा मौसम हो गया है, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया। देख रहे होंगे पेड़ के पत्ते कैसे हिल रहे हैं, हिलते हुए तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है बस कुछ ही टाइम में। टाइम कितना हो गया है, टाइम 2:10 है दोपहर के, और मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि आज मैं पहले सो ली, 9 से 10 के बीच में सो ली, क्योंकि रात को थोड़ी सी कम नींद आई, अच्छे से नींद नहीं आई, कभी कभी हो जाता है ऐसा, अच्छी तरह से नींद नहीं आई, और जब तक मेरी तो नींद पूरी ना हो ना मेरे सिर में बहुत दर्द सा हो जाता है। चलिए उसके बाद थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। देखो आज बिछाई है मैंने ये नई, ये वाली बेड शीट कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कितनी सुंदर लग रही है, देखो आप सब कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। आज ही बिछाई है मैंने इसको, न्यू बेड शीट है ये, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो और मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। और कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही प्यारा है, और बिछने के बाद तो इतनी अच्छी ग्रेस आ रही है ना इसकी, बहुत ही ज़्यादा, देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब। क्योंकि मुझे ना नई नई बेड शीट बिछाने का बहुत शौक़ है, ख़रीदने का भी और बिछाने का भी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, किस किस को अच्छी लगी कमेंट ज़रूर करना। और अभी मैं ना सो के उठी थी तो ये मेरे बाल देखो कैसे हुए हैं, और पता नहीं आजकल वाइट बाल है ना, कल ही मेहंदी लगाई थी देखो, एकदम से इतने रेड से नहीं होते, और वाइट भी ज़्यादा ही होने लगे, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, पानी अच्छा नहीं है यहाँ का, क्या नहीं है। और देखो ये इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ मैं आज आपको, देखो ये इसकी छोटे से की फ़ोटो, ये तकरीबन 2 या 2.5 साल का था जब की फ़ोटो है उसकी, ये तो। अभी चलते हैं बाहर और मैं अभी करूँगी अपने बालों में कंघी, क्योंकि आज मतलब बाल मैंने मेहंदी लगा के ना कल धोए थे बाल, और फिर आजकल देखिए गर्मी इतनी भयंकर वाली है, खुले बाल तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। मैं तो नया तो ज़्यादातर मतलब 2-3 दिन से ना मुझे जुनून चढ़ा हुआ है चोटी बनाने का, नहीं तो मैं ना इनको फोल्ड करके जुड़ा टाइप में ऊपर, मतलब थोड़ी सी ऊपर सी जुड़ा टाइप में ऊपर ही क्लस्टर लगा लेती थी, लेकिन आजकल टूट इतने रहे हैं बाल, इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, और मेरे तो ना हर साल इसी सीज़न में ज़्यादा टूटते हैं, ये नहीं है भाई ये नई बात है पहली बार ही टूट रहे हैं, बीच में बंद हो जाते हैं जब सर्दियाँ सी होती हैं ना, थोड़ा मौसम सा बदलता है उस टाइम इतने नहीं टूटते, लेकिन इस जो बारिश का सीज़न होता है ना मानसून में, इस टाइम मेरे हर साल टूटते हैं बाल। और मैं सोचती हूँ थोड़े से चोटी बनाने से ना ये थोड़े से कम टूटेंगे, और होता भी है ऐसा मैंने देखा है। पहले मैं मतलब गर्मियों में मेरे से ना तेल नहीं लगाया जाता था बिल्कुल भी, लेकिन मैं थोड़ा सा तेल लगा लिया है आज मैंने, क्योंकि अगर तेल नहीं लगाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं खिले खिले से, मतलब
उड़ते हैं, फिर बाल पंखे के नीचे बैठते हैं ना तो भी उड़ते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो मैंने हल्का हल्का सा तेल लगा लिया था और बस मैं अभी चोटी बना रही हूँ देखो। और धीरे धीरे मुझे पहले ना इतने अच्छे से चोटी बनानी नहीं आती थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बनानी स्टार्ट की ना मैंने, तो अपने आप आ गई थी मैंने मुझे चोटी बनानी। इतनी बड़ी तो नहीं बनती है, लेकिन जैसी भी बनती है बाल समेटे जाते हैं, उड़ते नहीं हैं, ठीक काबू में रहते हैं और टूटते भी कम हैं चोटी बनाने से बाल। मतलब बहुत फ़र्क रहता है, मैंने तो देखा है काफ़ी फ़र्क रहता है चोटी बनाने से। तो बस बना लूँगी। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो यस के पापा बोल रहे थे कि चाय बना ले, बाहर बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हम शाम के टाइम बाहर बैठ जाते हैं। काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो ये व्लॉग है ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो प्लीज़ जो भी न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़, और लाइक भी कर दिया करो। बहुत कम लाइक करते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।